सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां ग्राम पंचायत मोहंद्रा और ग्राम पंचायत सिंगवारा के अंतर्गत आने वाले सड़कों के हालात इन दिनों बेहाल हैं। सड़कों के खस्ता हालात के चलते लोगों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चे भी खासे परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने सड़कों के इस हालात को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन फिर भी सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। बताएं भैया, इन्होंने अभी जो परेशानी बताई है, हाँ। आप किस ग्राम के निवासी हैं और यहाँ पर क्या दिक्कत है? ग्राम रानीपुरा के निवासी है, यहाँ दिक्कत में दिक्कत सामने दिक्कत दिखाती है। रोड खराब है, बच्चा परेशान है, और सभी जनों से कहा, सब अधिकारियों से कहा, सुनाई नहीं हो रही। उसी वो इस प्रकार का रोड है, बच्चे आने जाने में परेशान है, बोलिए आप, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत में इसका आवेदन दिया? नहीं दिया है, इसको आवेदन दिया, सरपंच को दिया, पंचायत में दिया। क्या बोल देते हैं सरपंच? बोलते हैं कि वो उसमें पीडब्ल्यूडी में रोड जुड़ गया है, इसलिए वो हो नहीं रहा है। सरपंच सेक्रेटरी कोई नहीं सुन रहा है। चंदा की बोल रहे हैं और क्या कह रहे थे वो? सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि आप लोग एक काम करो, आपका रोड है, आप लोग चंदा जोड़ लो, आप लोग डाल लो बोरम। वो सुनाई रहे, सरपंच साहब भी कह रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग स्वयं अपने से बोरम डाल लें। हाँ, तो आपने बताया नहीं कि शासन का सरकारी रोड है, हम लोग कैसे डाले? शासन का रोड है, शासन डाले भाई। परेशानी है बच्चों के लिए, परेशानी आने जाने में परेशानी, स्कूल नहीं जा रहा है, कोई भी वाहन आता है तो यही गड़ जाता है। कब से पड़ा हुआ ये रोड? कम से कम 20 साल हो गए। हम तो देखते हैं अपनी उम्र, हमने ऐसे ही देखा है जैसा है, आज भी स्थिति है। क्या चाहते हैं आप लोग? बनना चाहते हैं कि बन जाए मुख्य मार्ग से यहाँ तक रानीपुरा तक ऐसा रोड हो जाए कि जो कि बच्चे आने जाने में परेशानी ना हो और वाहन चलने लगे, चलने बन लगे। अब देखिए आप यहाँ गड्ढा कितने खराब पड़े हुए हैं, यहाँ से आगे तक मुख्य मार्ग तक है, किसी की अरे बड़ी परेशानी आती है सर। बताएं भैया, क्या परेशानी और क्या दिक्कत है? ये पहुंच मार्ग है नंगोरी महाराज के लिए और देवीदाई के लिए, ये आज और भगत जू आश्रम के लिए कम से कम 2500 साल से पड़ा है ये, और यहाँ पर निकलने में परेशानी होती है। देहात के आदमी भी निकलते हैं और बस्ती के भी निकलते हैं, लेकिन बरसात में मतलब निकलने के लिए जगह नहीं है और बहुत कीचड़ रहता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कोई धार्मिक स्थान वगैरह है? हाँ, धार्मिक स्थान है, संग्रहालय है, और नागौरी जी महाराज का स्थान है, एवं भगत जी महाराज का आश्रम भी है। सरकार तो कह रही है कि बदलाव का वक्त है। नहीं सर, कोई बदलाव का वक्त नहीं सर, आप 20 साल से देख रहे हैं, हम लोग को पढ़ने बाल बच्चे से स्कूल बाल बच्चे परेशान हैं सर, वो जाने को मना करते हैं, हम लोग भेजते जब आना तो टीचर देख करके कर नहीं, पापा जी हमको नहीं पढ़ा, नहीं जाना, हमको आप क्या भेज रहे, हमको कारखाने में डाल रहे आप। अभी सरकार ने जो है नए नए वादे किए हैं कि ये बदलाव का वक्त है, तो आप कितना सही मानते हैं कि बदलाव का वक्त? कोई बदलाव सब देख रहे हैं आप, सब कोई बदलाव नहीं है। क्या बदलाव है सब? कुछ बदलाव नहीं है, जो कहते हो पड़ा है आपको पड़ा रोड। अच्छा, ये बताइए आप, अब आप लोग यहाँ से आते हैं और आने के बाद जो है आपने कहीं अभी विभाग में आवेदन भी दिया? हाँ, दिया है सर। कहाँ कहाँ दिया आवेदन? वहाँ सेक्रेटरी को दिया है, जनपद में दिया है, पन्ना में दिया है, विधायकों को दिया है, सब लोगों को दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं सर, वो कम से कम ऐसे देख रहे हैं बस, आते हैं कहते हो जाता है, मुर्गीकरण तक नहीं हो रही कि मुर्गीकरण हो जाए, तो कम से कम गड्ढे तो रास्ता 108 गाड़ी कहूँ जो स्कूल वाहन तो निकलने लगे, शिक्षित हो जाए बाल बच्चे। शिवपुरी में बैरार के शासकीय विजय आनंद स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें शिवपुरी रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कुछ बच्चे मलबे में दब गए थे, जिन्हें स्कूल स्टाफ ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलते ही शिवपुरी पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में तहसील दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को कवरेज करने से रोका गया और मीडिया कर्मियों के साथ अधिकारियों की ओर से अभद्रता तक की गई। पत्रकारों ने भी अधिकारियों की ओर से की गई अभद्रता का विरोध किया और धरने पर बैठ गए। आज संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था, जहां भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता ज्ञापन देने गए, उनके साथ ही कुछ पत्रकार साथी कवरेज के लिए पहुंचे, उनके फोटो खींचने पर एडीएम प्रशासन ने पत्रकारों को धमकी देते हुए बाहर निकाल दिया और उनसे कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, आपके पास डिग्री नहीं है। इससे पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया और पत्रकार सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर संपूर्ण समाधान दिवस के बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए और अब डीएम साहब को ज्ञापन देने की तैयारी है और मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद अगली योजना बनाई जाएगी।
यूपी के जालौन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने विकास को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। वहीं इस बैठक में वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। कुशीनगर की कस्या तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 40 मामले आए, लेकिन सिर्फ 4 ही मामलों का निपटारा अधिकारियों की ओर से किया गया। सर, आपके तहसील में पब्लिक कम आ रही है समाधान के लिए? देखिए, तहसील दिवस में जन समस्या को सुनने के लिए तहसील दिवस बनाया गया है और शिकायतें जो आ रही हैं लगभग नेचर एक ही प्रकार का है। ज़्यादातर शिकायतें पुलिस संबंधित या राजस्व संबंधित हैं, जमीन संबंधित स्कूल का या कहीं क्राइम का, यही समस्याएं लगभग हमने अब तक इस जनपद में 5 तहसील के तहसील दिवस में जा चुका हूँ, समस्याएं इसी प्रकार की आ रही हैं। और अब इसके 2 चीज़ हो सकते हैं, या तो जो शिकायतें हो रही हैं समाधान भी हो रहा है उसका, दूसरा पहलू ये भी है कि इस समय जैसे मौसम में अब इस समय लोगों के काश्तकारी का मौसम है, किसानी का मौसम है, हालांकि धान की रोपाई हो चुकी है, हो सकता है इस समय निराई गुड़ाई लगे हो, लेकिन यथासंभव अपने स्तर से जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाता है कि जन समस्याओं के समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया जाए। इसके लिए तरह तरह के जैसे दिवस भी बनाए गए जिससे जनता अपनी समस्या लेके पूछती है, समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों का मोह हो रहा है इससे? अब फिलहाल ऐसी स्थिति, अगर ऐसी स्थिति रहती तो आज भी आप देखिए तहसील दिवस में इतने लोग आए, तो इस चीज़ को मैं नहीं कर सकता। अभी तक सर कितना मामला आया है? अभी तक मेरे पास 40 प्रकरण आ चुके हैं, अभी आधे घंटे टाइम और है, समस्याएं लेकर के लोग आते हैं और समस्या जिसकी जेन्युइन है, तहसील दिवस थानाध्यक्ष में आके अपनी फरियाद करता है, आखिर काम करने वाले यही के थार्टी है या जिला के थार्टी है, काम समस्या समाधान होता ही है, ऐसा नहीं है। हम आपको बताएं कि जनपद में मैं आज एडीएम जब बैठता हूँ, एडीएम साहब सुनते हैं, उसमें आके पब्लिक कभी कभी कहते साहब हमारी ये समस्या तो हल हो गई, हमारी ये पड़ी हुई है, तो ये पूर्ण रूप से हम इस बात से सहमत नहीं है कि पब्लिक की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये हो सकता है कि पूर्ण रूप में जैसा हो चाहे उसका समाधान हो, लेकिन जो आज पर हमने समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। 40 में कितना निपटारा हुआ सर? 40 में 3 तो मैंने ही देखा जो सिंपल था, खतौनी में 3 तो मैंने कर दिया, दोनों का 5 निशान हो चुका है, और देखें हो सकता है आधे घंटे के कुछ और आए सकता उसका प्रस्ताव। जलालाबाद में चोरों के हौसले बेहद बुलंद हैं। यहाँ चोरों ने एक बैंक को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइटम वगैरह है, ये एक बंडल जो हमारा विड्रॉ स्लिप होता है, डिपॉजिट स्लिप होता है, एक बंडल पड़ा हुआ था और उसको जैसे छोड़ने की कोशिश की गई थी, जो सेफ है हमारी पाई नहीं, और उसके अलावा जो दीवार थी उसके साथ लगी सेफ के साथ वो तोड़ा ली। सर, कुछ केस वगैरह आपका निकला है क्या? केस वगैरह निकला है सर आपका क्या? मैं कुछ नहीं निकला। लंदन कितने की चोरी हुई होगी? कुछ नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाडोती की टीम ने क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को बीमारियों से रोकथाम के लिए जागरूक किया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केशव मीना ने बताया कि गुरुवार को डिवॉर्मिंग डे पर बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में गोलियां खिलाई जाएंगी, साथ ही मेजलस रुबेला अभियान से वंचित रहे स्कूली बच्चों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की और बालिक लड़का लापता है, जिससे पुलिस ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि इस घटना की शिकायत जनसुनवाई में SP से की गई, लेकिन यहां भी सिर्फ पीड़ित परिवार को आश्वासन ही मिला। घटना पूरा लड़की का मामा लिया था, लड़की का मामा हूँ। लड़की की घटना सुबह 10 बजे लड़की गई थी, ठीक है, तो अपन FI कटवाने आए, तो FI गुम सुझाव में डालते हैं। लड़के का नाम बताया अमन खान, ठीक है, तो इनने FI नहीं दी अमन खान के नाम से। लड़के को मैंने इनको बोला मैंने पुलिस वालों को, मैंने सर गुम सुझाव में जो डाल रहे थे
एफ आई लड़के के नाम काटा, तो ये बोले कि लड़के के नाम नहीं कटेगी कि गुमशुदा में कटेगी ना। तो मैंने सबका नाम बताया, लड़कों को मामा का नाम बताया, लड़के के बाप का नाम बताया, वो क्या इकबाल खान, इकबाल खान लड़के का बाप का नाम है इकबाल खान, और लड़के का मामा है फिरोज खान। नहीं, जो लड़का लेके का उसका नाम क्या, उसका नाम अमन खान। तो वो भी क्या गायब है, दोनों जने का। उसके घर पे मैं घूमने गया तो वो भी नहीं मिला मेरे को। मैंने उसके घर में ढूंढा तो सैरा कुर्सी, तो घर पे नहीं मिला। ठीक है, उनके रिश्तेदारों में ढूंढा तो रिश्तेदारों में नहीं। ठीक है, तो अब कहीं नहीं मिला सर। मेरे को थोड़ा आइडिया मिला था मोना में, कि मोना में लड़का लड़की को देखा गया। तो मैंने लड़की के देखते हुए ट्रल्स पर पूछा कि ऐसे ऐसे पूरी जानकारी करी, तो ट्रल्स वाले ने बताया लड़का लड़की मोना वो उनकी अहमदाबाद की बस में देखे गए। अहमदाबाद की बस में मैंने जानकारी निकाली तो ड्राइवर भी बोला कि हमारी बस में गए मैन को छोड़ा है, ये इंदौर में अहमदाबाद में मैन को चौराहा पड़ता है, यहाँ से प्रशासन ने पुलिस भेजी थी। हाँ भेजी थी, दो कॉन्स्टेबल गए थे अपने, उनकी पुलिस का कहना था, उनकी पुलिस का ये कहना था उनकी जैसे वो जगह है ना, ठीक है, जो वो जगह है ना, तो वो जगह मुमने नहीं लाकर छाऊपुरा, ठीक है, छाऊपुरा है ना, तो उसमें पुलिस जाने को कतराती है। वो बोल रहे थे यहाँ से हम पुलिस नहीं भेज सकते जब तक प्रूफ नहीं होगा कि फलाने घर में लड़की है। ठीक है, हमने कि जो प्रूफ कहाँ से लेके आऊँ, इतना प्रूफ लेके आए वो बहुत है हमारे लिए, और जो काम पुलिस का है पुलिस प्रशासन का, तो वो बोले कि हम इसके आगे कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप कॉल डिटेल निकलवा। तो मैंने कॉल डिटेल निकलवा लेगी नंबर भी गई ना, तो अभी तक नहीं लगी। प्रशासन हाँ सुस्त कहाँ रहते हो आप, थोड़ा जोर से बोलो। आपकी लड़की गायब हुई है, क्या नाम है उसका, कौन से उम्र कितनी उसकी, क्या क्या बात हो गई, क्यों आप थाने कंप्लेंट करने वाले। अमन नाम का लड़का जाना जो उसको अहमदाबाद किसी से मिला था कि उसके साथ एक चिल्ले जाएंगे और उसके साथ दो तीन लड़के थे, तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी लड़की का सर स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल भी जाना बंद कर दिया। हमने अपनी लड़की का पूरी टोटली से घर पर रखा, वहीं से बाहर ही नहीं जाते थे। 26 तारीख को शाम को नहीं था वो, 27 को भी मैंने नहीं दे पाता, और 26 तारीख को सार जस रही लड़की मेरी हाथों हाथों पानी भरते हुए घर में ऐसा महसूस भी नहीं आता कि कोई नहीं आया। अब पता नहीं सुबह की घटना है, सुबह 5:30 बजे स्कूल के लिए थी जब पानी भर सारे बच्चे बली के साथ बली नहीं थे, बंद को लेकर निकाला था, मोटर लगा रहा था, सब बच गई थी, और इतनी देर में पता नहीं उसको ले गया। अमन उसी टाइम 26 से लेकर ये नहीं तारीख है, मतलब पिछला के आवाज ही सुबह के जिंदा 1 तारीख को गई, 1 तारीख को यहाँ से नहीं 1 तारीख की शाम सुबह आपकी लड़की से क्या रिश्ता आपका। मैं माँ हूँ आपकी। शाहजहाँपुर में मेडिकल कॉलेज के अन्नपूर्णा भोजनालय पर खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने, उन्हें स्वस्थ रखने और उनमें अपनापन का एहसास पैदा करने के लिए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने भोजनालय में खड़े होकर अपने आप खुद रोटी बनाई और लोगों को खुद अपने आप भोजन परोसकर वितरित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने खाने की गुणवत्ता के विषय में लोगों से जानकारी भी ली। देखिए, अन्नपूर्णा भोजनालय जिला अस्पताल परिसर में चलाया जा रहा एक ऐसा प्रयास है जिसमें न केवल स्वयंसेवी संगठन शामिल हैं बल्कि शाहजहाँपुर में जो भी समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ भी करना चाहता है, योगदान करना चाह रहा है, वो सब लोग सम्मिलित हैं इसमें, और उनके समन्वित प्रयास से ये एक अद्भुत आयोजन यहाँ किया जाता है जिसमें 10 रुपये में जो मरीजों के तीमारदार हैं जिनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती और दूर दराज के जगहों से लोग आते हैं, उनको 10 रुपये में बिल्कुल हेल्दी फूड यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि इसको और जगहों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, और जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं वो इससे प्रेरित होंगे। बहुत सारे लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो इन्होंने अपने इस आयोजन के माध्यम से लोगों को अवसर दिया है कि अगर आप
अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने किसी परिवारिक जन की स्मृति पर कोई आयोजन करना चाहते हैं तो 10 रुपये 6000 रुपया जमा करेंगे तो एक दिन का लगभग 200 लोगों का भोजन निःशुल्क यहाँ पर आपकी ओर से वितरित किया जाएगा। वो चाहें तो यहाँ पर कार सेवा में भी भाग ले सकते हैं, उनके घरों की महिलाएं वो स्वयं अगर चाहें किचन में खाना पकाने में वितरण करने में भी सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटफॉर्म मिलता है हम सब लोगों को कि हम लोग समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, समय नहीं है, तो हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कम समय में कम संसाधनों में अपने हिस्से का हक अदा कर सकते हैं समाज के प्रति। तो मैं आह्वान करूँगा कि इससे और लोग भी जुड़ें और एक अच्छा प्रयास है, इसको और बल मिले ताकि हर ज़रूरतमंद को हम न केवल निःशुल्क चिकित्सा दे सकें, अच्छी चिकित्सा दे सकें, बल्कि उनके देखभाल करने के लिए उनके परिवारी जन जो परेशान होकर दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनके भोजन के लिए एक समुचित और खुश सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, आपने कुछ खाना बनाया है लोगों को बताया, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसके माध्यम से मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि हर कार्य का महत्व जो है वो अपनी जगह पर है, चाहे वो भोजन पकाने वाली महिला ही, अगर उसने अच्छा भोजन नहीं पकाया है, सुस्वाद भोजन नहीं पकाया तो आप आलोचना का शिकार उसको बना लोगे, लेकिन ये इतना मुश्किल काम है, इतना सरल काम नहीं है। घरों में भी आपको एक जैसा सुस्वाद भोजन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता, तो उनके श्रम को सम्मान दिया जाना चाहिए। और आप इतना आसान मत समझें, आपको लगा होगा कि मैंने बड़ी आसानी से रोटी बना दी, इसके पीछे बड़ा श्रम है, बड़े मुश्किल से गोल रोटी बनती है, बड़ी मुश्किल से अच्छा सुंदर स्वस्थ खाना लोगों को मुहैया हो पाता, तो ये भी एक कला है और इससे जुड़ना चाहिए लोगों को, और लोगों को भी जुड़ना चाहिए, घरों में भी लोगों को काम करना चाहिए, अपने घर में परिवार के साथ आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये कोई एक बंटवारा नहीं हो गया है कि ये किचन महिलाओं का कार्य है, घरेलू कार्य महिलाओं का है और बाहर का कार्य आपको करना है। बाहर का कार्य भी आज महिलाएँ निकल कर बाहर कर रही हैं कार्य क्षेत्र में, हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में, और घरों में भी यथासंभव आपको समय निकालकर अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ थोड़ा सा कार्य करना चाहिए। इससे आप उनके अंदर उसका मनोबल बढ़ाते हैं और आप उनको एक हेल्दी, बच्चों को एक हेल्दी आदत डालते हो कि अपना काम खुद करना चाहिए, खाने के बाद अपनी थाली साफ कर सकते हो आप, अगर आपको बहुत अच्छा भोजन पकाना नहीं आता सब्जियाँ काट के आप मदद कर सकते हो अपने घर में अपने परिवार की, तो ये तरह का कार्य सबको करना है। मैं आह्वान करता हूँ सब लोग इस कार्य में जुड़ें, करें। सर, तीमारदारों को सर दिन में तो सर खाना मिल जाता है, सर शाम में सर खाना नहीं मिल पाता है। अगर आने वाले समय में समाज के लोग जुड़ेंगे तो ये व्यवस्था हम व्यापक कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। अभी तो हमारी लिमिटेशंस हैं, जितना हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं समाज से उसके अनुरूप हम 200 लोगों को दे पाते हैं। और जो आप बात कर रहे हो, ऐसा होता है कि हमारे समाज में जब एक आदमी भर्ती होता है तो उसके साथ 3-4 तीमारदार आ जाते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में आज भी हम बीमार को और उसके एक तीमारदार को भोजन की व्यवस्था सरकारी तौर पर करते हैं, वो मिलती है। ये व्यवस्था तो अतिरिक्त है, एडिशनल है कि अगर एक परिवार में एक के साथ ज़्यादा तीमारदार आ जाए वो बेचारे कहाँ जाएँ, बारी बारी से लोग तीमारदार रहते हैं मरीज के साथ 8-8 घंटे 9-9 10-10 घंटे, तो बाकी के लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक प्रबंध भी किया गया है।